सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही हो। शब्द भी कम पड़ जाते हैं, ऐसी खूबसूरती है। हिमालय हमेशा से ही पर्वतारोहियों के लिए, साहसिक खेल प्रेमियों के लिए और ट्रैकरों के लिए एक हेवन रहा है, एक पसंदीदा जगह रही है। यहाँ की नदियाँ, झरने, पहाड़, आपने अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग जरूर सुना होगा, हमें पहाड़ चढ़ने हैं, नदियाँ पार करनी है, जंगलों में भटकना, हमें घर में नहीं बैठना। यदि आप एक एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर चाहते हैं तो उत्तराखंड में दर्जनों ट्रैक हैं, लेकिन एक ऐसा टफेस्ट ट्रैक है जिसमें आपको एडवेंचर लेवल के सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। एक ऐसा ही ट्रैक है उत्तराखंड में, केदारताल ट्रैक। केदारताल के इस पूरे ट्रैक को आप भी डिजिटल माध्यम से देखिए हिमालय प्रेमी के साथ। केदारताल के इस खूबसूरत ट्रैक को करने के लिए मैं पहुंचता हूं उत्तराखंड के मिनी चार धाम गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन और नज़दीकी एयरपोर्ट है वो ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 260 किलोमीटर है। चरम यात्रा होने के कारण हमें रात को यहाँ पहुंचना था, लेकिन रात भर गाड़ी में ही कटी और अगली सुबह 8 बजे हम यहाँ पहुँच पाए। एक दिन एक्नोटाइज होना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन भर हम लोग एक्नोटाइज हुए, गंगोत्री धाम के अगल बगल सारे डेस्टिनेशन देखे और शाम को माँ गंगा की भव्य और दिव्य आरती के दर्शन हुए। हिमालय रीजन के वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक केदारताल के लिए मैंने अपनी ये ट्रैकिंग शुरू कर दी है, और अभी मैं स्वामी सुंदरानंद जी का जो ट्रस्ट है उसके पीछे से निकल रहा हूँ। सुबह के 9 बज चुके हैं। आज का जो ये ट्रैक रहेगा ये भोजखर्क में हमारा कैंपिंग का स्टे रहेगा। केदारताल जाने के लिए जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया तो 1 किलोमीटर एकदम से अपहिल ट्रैक है, चढ़ाई है बहुत ही खतरनाक, और उसके बाद अभी तो अच्छा लग रहा, थोड़ा सा प्लेन एरिया है और देवदार के ट्री हैं चारों तरफ से, तो इतनी गर्मी भी नहीं लग रही। फिलहाल एकदम से मौसम साफ है, आसमान में बादल नहीं है। देवदार के पेड़ों के किनारे और हम मेरे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में केदार गंगा है, और इसी किनारे किनारे तक हमें केदारताल जाना है। केदारताल ट्रैक का ये पहला थोड़ा सा डेंजर स्पॉट है, यहाँ पे पूरी चट्टान है और नीचे एकदम केदार गंगा है, चट्टान को काट के थोड़ा सा रास्ता बनाया गया है। ये देखिए आप, ये और नीचे खाई है एकदम, थोड़ा एक गलती हुई तो सीधे ऊपर पहुंच गए समझ लीजिए। आराम से नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ गया, आराम से आओ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। हाँ नीचे बैठ जाओ, हाथ पकड़ो हैं। अरे ये तो हमारे साथ क्यारकोटी में भी था हैं, तो क्यारकोटी में भी था हमारे साथ है। आराम से भाई, हाथ नहीं नहीं हाथ दे दे, अरे दे दे हाथ दे दे, कोई दिक्कत हुई नहीं उसमें, कोई बात हाँ तो पहले कोई बात हो नहीं है उसमें, आ जा। चलो चलो चलो, आराम से आराम से, हाथ दो हाथ दो आराम से। इस ट्रैक की जो पहली 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो वाकई में खतरनाक है, और यही पता चलता है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का। हमारे जो एक साथी थे उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए और वो वापस चले गए हैं। यही एक परीक्षा होती है यहीं पे, उसके बाद तो थोड़ा सा ग्रेजुअल ट्रैक मिल जाता है।
और इस ट्रैक में देखिए बुरांस का जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि हाइट पे जो बुरांस होता है उसका कलर इस टाइप का होता है। ये तीसरा सबसे बड़ा डेंजर जोन है इस ट्रैक का, ये देखिए आप, एकदम ऊपर से जो है पत्थर गिरने का डर है और नीचे सीधे खाई है ये। इस पूरे ट्रैक पे अभी तक मुझे पानी नज़र नहीं आया, एक बोतल मेरे पास पानी है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पी रहा हूँ, कहीं ख़त्म हो जाएगा, पता चला पानी के बिना स्थिति बहुत ख़राब हो गई। तो इसलिए अगर आप इस ट्रैक पे आने का प्लान करें तो कम से कम 2 लीटर पानी कैरी करके ज़रूर चलें, पानी में ORS और ग्लूकोज मिला के चलें तो थोड़ा सा एनर्जी आपकी बूस्ट रहेगी उससे। आखिरकार पानी मिल गया है, यहाँ पे ऊपर से एक ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, तो अब थोड़ा सा जान में जान आई, अब यहाँ से मैं पानी भरूँगा, पानी पी के फिर आगे बढ़ूँगा। वाह वाह, ऐसी जगह पे पानी मिलना हाँ किसी अमृत के समान होता है। हाँ पूरी भरूंगा रास्ते के लिए और पानी पीता रहूँगा। हाँ हाँ, दो तीन किलोमीटर के बाद थोड़ा सा ग्रेजुअल ट्रैक है ये, मतलब एकदम स्टीप है और उसके बाद हल्की फुल्की चढ़ाई के बाद थोड़ा सा ग्रेजुअल आता है तो बड़ा रिलैक्स मिलता है एकदम से। अभी मेरे दोनों तरफ कुछ भोजपत्र के पेड़ों के अलावा कोई भी पेड़ नहीं है और आगे धीरे धीरे माउंटेन्स पीक दिखाई देने लग गई है। अभी अभी ये रास्ता खुला है, वन विभाग ने इसको अभी अभी क्लियरेंस दिया है, मतलब जस्ट अभी 5 या 6 दिन हुए हैं। ये इस सफ़र का सबसे ख़तरनाक स्पॉट है, स्पाइडर वॉल, और अभी तो स्पाइडर वॉल में जहाँ रास्ता था वो पूरा रास्ता टूट चुका है, देखते हैं इस साल नया रास्ता कहाँ से बनता है। बहुत ही ख़तरनाक है, मुझे लगता है कि यहाँ हमें रेस्टिंग करके जाना है, रस्सी डाल के देखते हैं कैसे इसको पार किया जा सकता है। देखिए आप ये ऐसी है, बिल्कुल स्पाइडर की तरह क्रॉल करके इस पर जाना पड़ेगा और कहीं भी इस पर पकड़ नहीं है। इस ट्रैक पर यदि आप आ रहे हैं तो किसी ट्रेंड गाइड को साथ लेके जरूर चलें, क्योंकि कई जगहों पे रैपलिंग करके जाना पड़ता है, कई जगह नदी पार करनी पड़ती है और कई जगह बहुत ही खतरनाक से खतरनाक रॉक फॉलिंग जोन है, तो इसलिए गाइड मस्ट है यहाँ पे। मेरे साथ भी इस पूरे ट्रैक में एकदम ट्रेंड गाइड हैं, एक मिस्टर पवन रावत हैं और उनके साथ नीचे लगे हुए हैं कमल गुरुंग। पैरों के बीच में रखो, पैरों के बीच है, पैरों के बीच में गंगोत्री से मैंने 9 बजे ये ट्रैक शुरू किया था और दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए उबड़ खाबड़, कहीं पे नदी झरने, कहीं पे पहाड़, रास्ते कुछ ऐसे थे कि बिल्कुल अगर मैं बोलूं कि खतरों के खिलाड़ी की जैसी नौबत आ रखी थी तो इसमें कोई दोराई नहीं है। बहुत सारी जगहों पे पहाड़ में चलने के अगर आपको आदत नहीं है तो कई जगहों पे तो अभी भी बहुत खतरा है, एक जगह दो जगह तो स्पाइडर वॉल में
मज़ा आ गया एकदम। हमें तो खैर एडवेंचर की चीज़ें हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन जो नए लोग हैं जो बाहर से आते हैं उनके लिए बड़ा खतरा है। फाइनली ये जो कैंप की लोकेशन है भोज खरक, भोज के पेड़, भोजपत्र के पेड़ तो बहुत कम रह गए हैं यहाँ पे, लेकिन जगह का नाम तो भोज खरक ही है। अभी भी कुछ चंद भोजपत्र के पेड़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी हम लोगों ने टेंट लगाने हैं, फ्लैट लैंड है तो यहाँ पे एक टेंट लगा देंगे, एक किचन टेंट हमारा नीचे लगेगा। कमलदाई उधर देख रहे हैं कि कहाँ पे टेंट लगेगा। हमारे साथ पूरा स्टाफ है जो हमें ये ट्रैक करा रहा है, तो धीरे धीरे उनसे भी मुलाकात रूबरू करवाते रहेंगे आपको। फ़िलहाल लंच करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं, रास्ते में लंच पैक लेके आए थे लेकिन अब यहीं बैठ के आराम से लंच करेंगे। देना मेरा पैकेट, जब तक टेंट लगते हैं तब तक आराम से लंच करते हैं। ये बातें तो थी होनी ही कभी, क्यों दिखता तू हैरान है, आवारा तू तरकीबों से भरा, सफर ये भी हसी, मुसाफिर हो मुसाफिर हो, हो मुसाफिर हो, होगा सफर ये भी हसी, हो मुसाफिर हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 19 मई सुबह के बज रहे हैं 8, और हम लोगों ने अपना पूरा सेटअप वगैरह पैक कर दिया है, सामने से टेंट वगैरह पैकअप कर लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके आज हम लोगों की जो जर्नी रहेगी वो लगभग 3 किलोमीटर रहेगी यहाँ से केदार खरक। भोज खरक से और केदार खरक के लिए मैंने अपनी ये यात्रा स्टार्ट कर ली है। आज 3 किलोमीटर का मेरा ये सफ़र रहेगा, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 500 से लेकर के और 700 मीटर तक एलिवेशन गेन करनी पड़ती है। डिस्टेंस तो काफ़ी कम है लेकिन धीरे धीरे एक्टिवाइज होके जाना ही ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरे दिन के ट्रैक पे जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं ट्री लाइन एकदम ख़त्म हो गई है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है जैसे जैसे आगे जा रहे हैं। दूसरे दिन की इस जर्नी में भोज खरक से आके और केदार खरक के मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ, और मेरे पीछे देखिए प्यास हिमालय का जो चार्म है, जो अट्रैक्शन है, ठीक थलाई सागर के लेफ्ट हैंड साइड में भृगुपंत, और भृगुपंत के इधर मंदा, मंदा तीन है यहाँ पे, मंदा फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। फर्स्ट तो दिख रहा है, सेकंड थोड़ा सा बीच में ढक गया है, और हमें जाना है अभी उस तरफ। हिमालय की जो खूबसूरती है, जो अट्रैक्शन है, इस वैली में आके ऐसा लगता है कि साक्षात किसी स्वर्ग में आ गए हों। ये इस ट्रैक का सबसे डेंजर जोन है, नीचे नदी है, ऊपर से पत्थर गिरने का एकदम से खतरा है। यहाँ से पैर फिसला तो सीधे नदी में, डायरेक्ट नदी में, ऊपर से पत्थर आने का डर अलग है, लगातार ऊपर से पत्थर भी आ रहे हैं और नीचे से नदी है। देखिए ऐसे रास्तों पे चलना है, जब ऐसी नदियाँ पार करनी पड़ती हैं, जंगलों में भटकना पड़ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चढ़ना पड़ता है, तब फील होता है असली एडवेंचर। केदार ताल के इस ट्रैक में पूरा फुल ऑफ एडवेंचर है। यहाँ एकदम खड़े पहाड़ आपको चढ़ने पड़ेंगे, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं वो भी देखने पड़ेंगे, ऐसी नदियाँ आपको पार करनी पड़ेंगी, जंगलों में भटकना पड़ेगा, टेंट में सोना पड़ेगा,
सर्द हवाओं से सामना करना पड़ेगा। ये जो एडवेंचर है, फुल ऑफ एडवेंचर, ये केदारताल के इस पूरे ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा। कच्ची ढांग में लगातार पत्थर आने के कारण नदी को दो बार क्रॉस करना पड़ रहा है। अगर पत्थर नहीं आते तो नदी के उस तरफ से ही हमें रास्ते पे जाना था। नदी में अब ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां बहने और डूबने के चांस थोड़ा सा कम हो, तो देखते हैं। आखिरकार दूसरी नदी भी पार करती है और अब लगभग 1 किलोमीटर और रह गया है। हमारे साथी तो नदी में नहाने लगे। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह करके भोज खरक से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं केदार खरक। खरक का मीनिंग जो है वो पहाड़ी लैंग्वेज में एक्चुअल में जो जानवरों के रुकने का जो स्पेस होता है उससे है। केदार खरक में आप ब्यूटी देख लीजिए सामने से मेरे पीछे। अभी तो पूरे बादल लगे हुए हैं, सामने थलाई सागर आता है और थलाई सागर बिल्कुल मेरे ठीक अपोजिट साइड में। अभी मैं माउंटेन पीक आपको दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन जो केदार गंगा निकलती है वो ठीक मेरे बगल से है। और मेरा जो टेंट है, मैंने अपना टेंट यहाँ पे जानबूझ के पिच किया, थोड़ा ज़मीन उबड़ खाबड़ है लेकिन जो ब्यूटी है और जो ये नज़ारे हैं, रात भर मुझे नदी की जो आवाज़ है और यहाँ से बहते हुए जो मैं देख रहा हूँ सामने माउंटेन्स व्यू है पूरा, उसको जब आप यहाँ पे रुकेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। फिलहाल मौसम बदल रहा है, थोड़ा हल्की फुल्की पहाड़ों पे बर्फ़बारी भी हुई है, देखते हैं रात तक मौसम कैसा रहता है। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं केदारताल के एक्सट्रीम एडवेंचर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। सफर ये भी हंसी मुसाफिर हो।